सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैंने दिखाया आप कुछ इस तरीके का फाइट एडिटिंग कैसे कर सकते हो अपने काइन मास्टर से, जिसमें कि होता क्या है, आप पंच करो एंड बंदा उड़ के जाएगा और गिर जाएगा। ठीक है, मींस उड़ के जाएगा और गिर जाएगा। इससे आप दो तरीके से एडिट कर सकते हो। अगर आप अपना कैरेक्टर को यहाँ पे रखना चाहते हो तो वो भी सही है, अदरवाइज आप कुछ इस तरीके का भी क्रिएट कर सकते हो जिसमें कि सिर्फ जिसे आपने मारा है वो जस्ट उड़ के जाएगा एंड गिर जाएगा। ठीक है, तो ए एडिटिंग करने के लिए जस्ट आपको क्या करना है, शूटिंग करना है। तो अगर आप अच्छा से शूट करते हो तो यार बहुत ही अच्छा आपको वीडियो बनेगा। उसमें आपको करना क्या है, जस्ट आप किसी तरीके से भी आप अपने वीडियो को स्टार्ट करो। ठीक है, मीन्स आप लोग दोनों आओ या जाओ या फिर पूरा गुस्सा में आओ और उसको आज मार ही देना है, मीन्स इस तरीके का एक्सप्रेशन बनाते हुए आओ एंड जस्ट किसी तरीके से मीन्स आप उसे पंच मारो। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो इसने क्या किया, उसे फोल्ड वोल्ड करके पंच मारा है। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट आपको किक मारना है। जैसे कि इसने यहाँ पे किक मारना है और अपने बंदे को ये बोल देना कि आप थोड़ा सा मीन्स अप हो जाओ। मीन्स जो भी बंदा किक खा रहा होगा, जिस पे किक पड़ रहा होगा, लात पड़ रहा होगा, वो थोड़ा सा अप उसको हो जाने बोलोगे, जिससे होगा क्या कि यहाँ से हम उड़ने वाला इफेक्ट उसमें दे देंगे। ठीक है, तो ये काम करना होगा। देन क्या करना है, अपने काइनमास्टर को ओपन करना है, नया प्रोजेक्ट पे क्रिएट करना है एंड 16:9 को सेलेक्ट कर लेना है। ओके, देन आपका जो ओरिजिनल वाला वीडियो होगा जस्ट उसे आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। सो मैं यहाँ पे अपना ओरिजिनल वीडियो इंपोर्ट कर ले रहा हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें जो स्टार्टिंग हुआ है वो चलते हुए आए हैं। तो मैं इसे थोड़ा दूर तक रख लेता हूँ। ओके, देन मैं इसे स्प्लिट कर ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे काफी सारा फालतू वाला चीज हुआ है। मीन्स यार ये मैंने किसी और का क्लिप उठाया है तो समझ ही सकते हो आपकी मैं उतना जो चीज़ मैंने बताया है वो चीज़ तो मुझे यहाँ मिलने वाला नहीं है। तो जो मैंने बताया था ना, मीन्स स्टार्टिंग में आपको इंट्रो करना है, देन उसके बाद थोड़ा सा फाइट करना है, किक मारना है और गिरना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपना वीडियो में क्या क्या बोल रहे हटा उसे, मैं अपना मेन क्लिप को यहाँ से उठा लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मीन्स ये जो है वो किक मारने वाले हैं। तो उससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसे जस्ट कट कर ले रहा हूँ, इधर ट्रिम कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा क्लिप आ चुका है इंट्रो वाला, मीन्स चलते हुए आए और इन्होंने थोड़ा सा फाइटिंग किया, देन उसके बाद यहाँ पे आ गया हमारा किक वाला। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आपको एक ट्रांजिशंस मिलेगा जिसमें कि आपको ऐड कर देना होगा, ये मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्लाइड फ्लैश और उसमें भी 03 को, और इसका टाइमिंग को आपको 0.5 सेकंड रखना होगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आप यहाँ पे देख लो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो मीन्स आप एक क्लिप से दूसरे क्लिप में अगर डायरेक्टली ट्रांसफर हो गए तो यार उतना सही नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद क्या करना है, जहाँ पे ये गिर रहा है बंदा, ठीक है, जहाँ पे ये गिर रहा है जस्ट उसके बाद थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे आपको इसको स्प्लिट कर लेना होगा। ओके, देन जहाँ पे आपने किक मारा है, ठीक है, जैसे कि इस बंदे ने यहाँ पे किक मारा है, तो यहाँ पे आपको आना है एंड स्क्रीन रिकॉर्ड, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे मैं आ जा रहा हूँ, हाँ, देन उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड कैप्चर एंड सेव पे क्लिक करना है। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, आपका एक इमेज आ जाएगा जिसमें अब हमें क्या करना है, एक कोई सा भी ऐप आपको ओपन कर लेना होगा जिससे कि आप बैकग्राउंड को रिमूव कर सको। ठीक है, फोटो का बैकग्राउंड को रिमूव कर सको। तो मैं अभी फिलहाल यूज कर रहा हूँ पिक्स आर्ट को, आप किसी भी ऐप वेबसाइट कहीं से भी जस्ट उसका बैकग्राउंड को रिमूव कर लेना। तो मैं पिक्स आर्ट को यहाँ पे सिंपली से ओपन कर लेता हूँ एंड दिखाता हूँ कि किस तरीके से करना है। ओपन हो गया, देन प्लस वाले बटन पे क्लिक करके एडिट अ फोटो पे क्लिक करके और अपना जो आपने अभी फोटो मीन्स किया था कट, तो उसे आना है एंड यहाँ पे कटआउट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे पर्सन को आप सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज ब्रश मिलता है यहाँ से, मीन्स सेपरेटली आपको करना है। क्या पता है, दो बार आपको इमेज को करना होगा। फर्स्ट बार जब आप मीन्स यहाँ पे करोगे तो उस समय क्या करो, एक इस बंदे वाले को कर लो या फिर इसका करना, एक का कटआउट कर लो, इसे सेव कर लो। ठीक है, मैंने अच्छा से नहीं किया, मैं करके रखा हूँ यार, इसलिए मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, बस मैं तरीका बता रहा हूँ कि करना है कैसे। एक बार ये कर लो, देन फिर से यहाँ पे आप ऐड फोटो पे क्लिक करो एंड यहाँ से फिर से आपको कटआउट करना है और इस बार इस बंदे को कर लेना है। ठीक है, दोनों को कर लेना अलग अलग सेपरेटली। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने करके रखा हुआ पहले से, देख सकते हो यहाँ पे एक ये बंदे का, एक इस बंदे का है, तो इसलिए मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा आपका भी और मेरा भी। तो देन उसके बाद अपने काइनमास्टर को सिंपली से ओपन कर लेना। काइनमास्टर ओपन हो जाने के बाद जस्ट इस वाले प्रोजेक्ट में आ जाना एंड ये जो वेस्ट वाला पार्ट है जस्ट उसे सबसे पहले डिलीट कर देना होगा एंड यहाँ पे देख लो कि आपका गिरने वाला जो वीडियो है वो पूरा है या नहीं है। तो हाँ, यहाँ तक हमारा मीन्स गिरने वाला वीडियो। तो अब हमें क्या करना है, जहाँ पे किक मार रहा है इस बंदा को, जहाँ पे किक पड़ रहा है आपको वहाँ पे जाना होगा,
जैसे कि ये प्लेस है हमारा किक मारने वाला, ठीक है। यहाँ पे आना है, इसे आपको ट्रिम मीन्स स्प्लिट कर देना है, ओके, फर्स्ट काम। दूसरा काम क्या करना है आपको, मीन्स स्टार्टिंग में आना है, फिर कहीं पे भी आपको जाना है, एंड यार वहां से आप अपना सिर्फ बैकग्राउंड मीन्स जहां पे ज्यादा बंदे ना हो उस वाले क्लिप को कैप्चर कर लेना, ठीक है। यहां से मैंने कैप्चर कर लिया, एंड अभी अभी जो आपने स्प्लिट किया था जहां से आपने किक मारा था वहां पे आना है, मीडिया पे क्लिक करना है एंड इस फोटो को इम्पोर्ट कर लेना है, ओके। देन इस वाले पे आना है और ये बंदे को हटा के हमें सिर्फ बैकग्राउंड को रखना है, तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड्स को रख लिया। देन उसके बाद इसका जो ड्यूरेशन होगा उसे आप 1 सेकंड तक रख लो तो काफ़ी सही रहेगा, 1 सेकंड तक रख लिया हमने। देन उसके बाद अभी अभी जो आपने फोटोज पिक्सआर्ट से या फिर कहीं से भी एडिट किया होगा उस फोटोज को यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेना दोनों को। सो यहाँ पे फोटोज ऐड हो चुके हैं। देन उसके बाद क्या करना है, इनको इनके प्लेसेस पे आपको एडजस्ट कर देना है, ओके। जैसे कि ये बंदा मार खा रहा था तो इसे आपको इसका प्लेस पे एडजस्ट कर देना है जहाँ पे भी ये होगा। देन ये मारने वाले सर जी को इनका प्लेस पे एडजस्ट कर देना है, ठीक है। दोनों ये एडजस्ट कर देने के बाद जस्ट आपको ये क्लिप में आना है, मीन्स ये जो क्लिप है यहाँ तक आपको आना है और इसे जस्ट हमें कट कर देना है, क्योंकि उधर तो हमारे ये सब है ही, यहाँ तो हमने ऐड किया है ना, ठीक है। तो यहाँ से जस्ट इसे कट कर देना है। एंड नाउ यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो बंदा मार खा रहा है, ठीक है, ये जो बंदा मार खा रहा है इसका एनिमेशन की हमें करना है, बट उससे पहले इसे आपको कट कर लेना 1 सेकंड में, मीन्स जितना टाइम तक आपने ये बैकग्राउंड रखा है उतना टाइमिंग का, ठीक है। तो मैं इन दोनों को उतना टाइमिंग का कट कर ले रहा हूँ। एंड नाउ जो बंदा मार खा रहा है उसके पास आना है और एनिमेशन की में आके आपको लास्ट में एक एनिमेशन ऐड करना है, एंड वो एनिमेशन होगा इसको पूरा स्क्रीन से बाहर कर दो, ठीक है, स्क्रीन से ही बाहर कर दो। ये देखो उड़ने वाला इफेक्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो मैं वीडियो को एक बार प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मीन्स ये बंदा जो उड़ रहा है, बट यार बहुत स्लो उड़ रहा है, तो इसे स्पीड अगर उड़ाना है आपको, स्पीड अगर उड़ाना है तो इसके फोटो को जस्ट छोटा करो, जितना छोटा करोगे उतना स्पीड ये उड़ेगा, ठीक है, देख सकते हो आप उड़ रहा है। तो अगर आप चाहो तो आप ये मीन्स मारने वाले का फेस रख सकते हो, अदरवाइज आप इसे डिलीट कर सकते हो, दोनों में ही आपका अच्छा वाला वीडियो बनेगा, तो मैं फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट क्लिप में आना है, एंड यहाँ पे जहाँ ये बंदा गिर रहा हो, जहाँ ये बंदा गिर रहा हो आपको वहाँ पे जस्ट इसे आपको क्रॉप करना है, ठीक है, बैक वाले चीज़ों को छोड़ देना है, एंड यहाँ पे ये बंदा जो हमारा वो गिर रहा है, ठीक है, हाँ यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से गिर रहा है, तो यहाँ पे मैं इसे रख ले रहा हूँ। एंड देन उसके बाद यहाँ पे ट्रांजिशंस पे आना है, एंड यहाँ पे आपको सेक इट एक ट्रांजिशन मिलेगा जिसमें कि 4th नंबर को आपको सेलेक्ट करना है, एंड इसका टाइमिंग को 0.5 सेकंड रख लेना है, और जहाँ तक ये छोटा वाला इमेज होगा मीन्स आपने उड़ाया है उस वाले मीन्स उतना ही टाइम तक हम इसे रखेंगे, एंड नेक्स्ट क्लिप में हम मूव कर जाएंगे, कुछ होता ही हो गया ज़्यादा ही। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब जब फाइनली इसे प्ले करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने जो फाइट सीन बनाया वो काफी सही बनाया। मैं यहाँ पे प्ले करके दिखाता हूँ, किक मारा उड़ा और यहाँ पे गिर गया। तो ये काम हो गया हमारा वीडियो एडिटिंग का, अब हम इसमें करने वाले हैं ऑडियो एडिटिंग। तो ऑडियो एडिटिंग करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले ऑडियोस पे क्लिक करना है, एंड यहाँ से आपको एक सिनेमैटिक टाइप का ऑडियो को इम्पोर्ट कर लेना है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है, इसे इम्पोर्ट कर लो। एंड यहाँ पे आपने जहाँ पे भी इसे किक मारा है वहाँ पे यार फाइटिंग वाला जो सिनेमैटिक आवाज़ें होते हैं इनसे ढिजुम ढिजुम वाला आवाज़ें, वो आवाज़ें ऐड करना होगा। तो यहाँ पे जैसे कि आपने इसको फाइट मीन्स हिट किया है, तो यहाँ पे क्या, आप ऑडियो पे आओ, एफएक्स पे आओ, एंड आपको एसएस स्टोर में आ जाना होगा, एंड यहाँ पे आपको एक एसएस स्टोर में मिलेगा किस टाइप का नाम का रहेगा, पंच एंड किक, इसे आप ढूंढ लेना, फिलहाल मुझे भी याद नहीं मैंने कहाँ से डाउनलोड किया इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि किधर है, ठीक है। तो ये वाला इफेक्ट को आप ढूंढ लेना, देन यहाँ पे किक पर्सन को सेलेक्ट करके इसे ओके कर देना, ओके, और जहाँ पे आप किक मारा गया है वहाँ पे इसको रख लेना है सही तरीके से, ठीक है। तो ये काम आपको यहाँ करना है, एंड साथ ही में जहाँ पे ये बंदा गिर रहा है, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि ये बंदा गिर रहा है तो यहाँ पे भी जस्ट इसी सेम इफेक्ट को हम ऐड कर देंगे, ओके। तो इस तरीके से ये हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक वाला भी काम हो गया, मीन्स सिनेमैटिक म्यूजिक वाला भी काम हो गया, और जो फाइटिंग वाला ऑडियो होता है वो भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो इस तरीके से करके आपका जो वीडियो होगा वो कम्प्लीटली बन के